आज हम इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी 6 मंथ लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टिल अप्रैल 2020 तक की जो भी स्कीम्स होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इस जो स्कीम्स हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कई बार वो सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे हमने पढ़े होते हैं वैसे ही आ जाते हैं। तो हमने एक ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है ये क्वेश्चन बेस पे ही है। आप क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करिएगा, अगर तो आप करंट अफेयर और स्कीम्स के रिलेटेड आपको जानकारी होगी तो आप इसको सॉल्व करेगा, और साथ साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ामिनर है वो क्या करता है उसका स्टैटिक पार्ट एज वेल एज वो क्या करता है उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को साथ में डाल देता है, तो आप उसको भी साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है दोस्तों, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ स्कीम कब लॉन्च हुई, ठीक है, व्हेन लॉन्च्ड, 28 अगस्त 2014, 18 फरवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 10 नवंबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, 18 फरवरी 2016। तो ये क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ क्या है, ये एक स्कीम है जो किसके अंडर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा आपका, जैसे आपको ये पिक्चर भी दिखाई गई है, ये पिक्चर इसलिए कि आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो एक पिक्चर सामने आपको लगाई होगी तो आपको मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि इसमें ये एक डोरस्टेप डिस्ट्रीब्यूशन का एक ड्राइव है, मतलब आपको ये क्रॉप के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हमारे जो ड्रॉट या तो फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट की साइड आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्रा पे काफ़ी बाढ़ आ जाती है, या फिर हमारे यहाँ सूखा काफ़ी होता है, तो उसके लिए जो खरीफ सीजन, जो कमिंग अपकमिंग खरीफ सीजन के लिए क्रॉप इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करेगी वो किसके अंडर होगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंडर। ठीक है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई थी, 18 फरवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो साथ की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी नॉर्डल मिनिस्ट्री कौन सी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये सही है। और NILP स्कीम, क्या नाम है इसका, नव भारत लिटरेसी, आपको ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, NILP का क्या फुल फॉर्म है तो आप इसको बता सकते हैं, NILP का क्या फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम, और नव भारत, नव इंडिया यहाँ पे भारत के साथ में इंडिया भी होगा, दोनों में से जो भी होगा आप वो देख लीजिए, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, थर्डली ये स्कीम क्या है, एडल्ट एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस जो पहले इसका जो फर्स्ट ये लॉन्च की गई थी उसमें जो नाम था वो था एडल्ट एजुकेशन, अब इसको बदलकर एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले इसका नाम क्या था और अभी क्या नाम है, तो आप ये ध्यान रखिए, पहले इसका नाम था एडल्ट एजुकेशन, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल, बट स्कीम ये सेम ही है। ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट है इसका ये किनको, ये जो एजुकेशन है ये किनके लिए है, या तो 15 अबव एज ग्रुप के लिए, ठीक है दोस्तों, उनके बिलो के लिए नहीं है। और इसको ये जो स्कीम है किसके साथ साथ ऑल्टास, NCERT, NOS आपको पता ही है, ये सबके साथ ये मिलकर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और गवर्नमेंट ने जैसे लिटरेसी, इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो स्कीम लॉन्च की है, ये किसके लिए की है, 2022 टू ये 5 सालों के लिए, 22 से 27 साल के लिए। और इसमें क्या, अडल्ट एजुकेशन एलिगेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर
ये बजट में 21-22 के बजट में अनाउंस की, और इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसमें ये सम्मिलित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री नोटिफाई कैपिटल स्कीम इन विच फेज, जो अभी फेज है वो कौन सा फेज है। तो अभी का जो फेज है वो कौन सा है, फेज वन, फेज थर्ड, फेज सेकंड, फेज फोर्थ। तो अभी जो लॉन्च हुआ है 2021-22 में, तो अभी सेकंड फेज लॉन्च हुआ है। 2014 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था, ये लिखा हुआ है दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज 2014 में, और अभी जो लॉन्च हुआ है वो सेकेंड फेज हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों कि अभी लेटेस्ट कौन सा है, सेकेंड फेज है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो स्कीम है ये के लिए है, ये कम्पिटिवनेस जो हम आत्मनिर्भर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर इसको चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि 25% जो हमारी कैपिटल गुड है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प करेंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, 25% ये जो, ये देखिए इसमें लिखा है एटलीस्ट 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो हेल्प करेंगी कैपिटल गुड्स। ठीक है, फिर सेकेंड में, और इस असिस्टेंस टू कॉमन टेक्नोलॉजी जो हमारी, और इन सर्विस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसको हेल्प करेंगे। टोटल आउटले जो बजट में अलॉट किया गया है 1207 करोड़, उसमें से जो बजटरी स्पोर्ट है वो 975 करोड़ है, और इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन जो होगी वो कौन सी क्या होगी, 232। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रसाद स्कीम। ये जो प्रसाद स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये जो प्रसाद स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट, ये जरूर ध्यान दें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट को नहीं। इट वॉज प्रपोज बाय उत्तर प्रदेश, इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मैंने आपको बता दिया ये तो राइट है। पनौरा धाम इन सीतामढ़ी इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम, और फोर्थ दिस स्कीम इज प्रिलिमिनरी ओरिजिनेटिंग एज स्पिरिचुअल। तो इसका जो राइट आंसर है, मींस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये है आपकी ये फर्स्ट वन, क्योंकि ये जो स्कीम है प्रपोज किसके द्वारा, बिहार के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। तो अब हम इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रेजुनेटिंग, इसकी जो फुल फॉर्म है, प्रसाद की जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, प्रसाद की, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रेजुनेशन स्पिरिचुअल अग्यूमिशन एंड, ठीक है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है ड्राइव, ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रसाद की, और ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म इन विच ईयर 2014-15 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन एंड पिलग्रिम डेस्टिनेशन। ठीक है जी, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर क्या हुआ दोस्तों, इसमें ये जो रिलीजियस सिटीज हैं इंडिया की, जो रिलीजियस जैसे अमरावती, सिलीवार, आंध्र प्रदेश में जो कामाख्या, परशुराम, जो भी पटना में गया बुद्धा, ये जो जितनी भी सिटीज़ हैं इनको डेवलपमेंट करना, और रिलीजियस आस्पेक्ट्स के लिए डेस्टिनेशन को उनको हॉलिस्टिक प्रवे से इसको और तरीके से डेवलप करना, सो दैट कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, जैसे कि हमारे, हमें, हम सब जानते हैं भारत एक वेरी सेंसिटिव और वेरी स्पिरिचुअल कंट्री है। तो हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर सभी धर्म वाले, सभी कास्ट वाले, सभी भगवान को मानते हैं। तो इसीलिए ये जो इनिशिएटिव प्रसाद इनिशिएटिव है, ये पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्कीम के अंडर किया गया। और इस स्कीम के अंडर ये देखिए इसमें 15 थीम्स हैं। ठीक है, थीम सर्किट्स, तो वो 15 थीम सर्किट कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे इसमें क्या है, बुद्धिस्ट सर्किट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालय सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सोफी सर्किट, इसमें जितने भी हैं
ये सारे 15, आपको क्या क्वेश्चन कितने इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 15 जो थीमेटिक सर्किट हैं इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट स्टार्टेड कौशल्या मातृत्व योजना और सेफ मदरहुड। ठीक है, तो किसने स्टार्ट की है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये किसने स्टार्ट की है? छत्तीसगढ़। सीएम कौन है उनके? भूपेश बघेल। ये आप देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाए गए हैं, उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया, और कहाँ से लॉन्च किया? रायपुरा में। और थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या किया गया कि जो 5 वुमेन थी जिन्होंने कि मदरहुड सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए वो प्रैक्टिस, जो मदरहुड की प्रैक्टिस होती है इनका लालन पालन, जैसे दूध, बच्चे को दूध पिलाना, ये जो सारे प्रैक्टिसेस हैं ये उनके लिए है, और वो 5 वुमेन्स को उन्होंने 5,000 का चेक दिया। और सेकेंडली जो सेकेंड गर्ल होगी, अगर आपके घर में जो सेकेंड गर्ल, मतलब जो छत्तीसगढ़ में अगर सेकेंड जो चाइल्ड हो, अगर वो गर्ल होगी तो उस उसको भी 5,000 की रुपीज़ की राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम पोषण स्कीम, अनदर नेम ऑफ दिस स्कीम, जो पीएम पोषण स्कीम जो है इसका और क्या नाम है, क्या नाम था? तो देख लेते हैं, मिड डे मील, पीएम स्कूल फॉर मील फॉर स्कूल, मील फॉर चिल्ड्रन, मील फॉर स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिड डे मील। ये जो ये 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुई थी दोस्तों। ठीक है जी, इसका इसका जो अब नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम डाल दिया सर दोस्तों, इसका पीएम पोषण। ठीक है जी, अर्लियर नॉन एज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कूल। और इसमें क्या है, इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, आपको गर्म कुक्ड, हॉट कुक्ड मील, गर्म मील आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में। और किनको दिया जाएगा? 1st to 8th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों, उनको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये मिड डे मील आपको बताई दिया 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? एजुकेशन मिनिस्ट्री है। और 8th क्लास तक के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये हॉट दिया जाएगा। सो दैट ये क्यों किया गया, क्योंकि उनकी हेल्थ को देख के, उनके न्यूट्रिशन को देख के, उनको नॉरिशमेंट, उनके जो हेल्दी अगर वो होंगे तभी हमारा फ्यूचर जो है, हमारा जो भविष्य है, हमारे भविष्य के हैं हमारे स्टूडेंट्स अगर अच्छे होंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है दोस्तों, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है रूसा के बारे में, तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, रूसा स्टैंड फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 12,929 करोड़। ठीक है, टिल 31st मार्च। ओके दोस्तों, इट वुड सपोर्ट 1,600 प्रोजेक्ट्स। ओके, और ऑल ऑफ अबव। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ये आप इसके साथ में 2026 कर लीजिए दोस्तों, ये इसकी जो लास्ट डेडलाइन है, ये एक्सपेंडिचर 2026 तक के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। नीचे आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कंटिन्यूशन टिल जो 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहेगी, ये सेंट्रल स्पॉन्सर होगी, और इसमें क्या होगा, 60 सेंटर का होगा और 40 जो स्टेट का होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पीएम केयर स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं पीसीएस, यूपीएस या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीएम केयर स्कीम। इस ये कब विच इन विच क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर इट लॉन्च, तो ये स्टार्ट कब हुई थी, 2020 में, 21 में, 16 में, 14 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये 2020 में लॉन्च हुई थी। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये क्यों लॉन्च हुई थी। एज हम सबको मालूम है, हमारे जो 2019, 20, 2021, 2022 जो हमारे ये 3 साल हैं लास्ट, हमारे कोविड के बीच में, कोविड के कारण हमारे काफ़ी देश की इकोनॉमी को ख़राब हुई, और कईयों के माता पिता चले गए या कईयों के बच्चे चले गए, तो काफ़ी फिजिकली और इकोनॉमिकली हम वीक हुए, हमारा देश वीक हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाए, जिसमें जिस स्कीम के अंडर क्या था दोस्तों, जिस स्कीम के अंडर क्या था, कोई भी चिल्ड्रन अगर बिलो 18 होगा,
कोई भी चिल्ड्रन अगर बिलो उसके दोनों पेरेंट्स, दोनों मदर और फादर दोनों की अगर डेथ हो जाएगी तो उसको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियली हेल्प कितनी की होगी, 10 लाख की। और वो 10 लाख कब दिया जाएगा, जब वो 23 साल का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ लेते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब, 11 मार्च 2022 को, ठीक है, 2020 को ये लॉन्च हुई थी। और ये इसकी लास्ट जो थी कि क्योंकि अभी कोविड कम हो गया है, तो कोविड कम क्या, ख़त्म होने के कगार पर ही है, तो इसीलिए इसकी जो लास्ट डेट थी वो कौन सी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 28 फरवरी 2022, ठीक है, 28 फरवरी 2022, ठीक है। ये यहाँ तक के जितने भी, अगर 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक जितने भी चिल्ड्रन 18 के बिलो होंगे, उनके जो पेरेंट्स अगर दोनों की डेथ हो जाती है, तो उसको फाइनेंशियल जो हेल्प की जाएगी, कौन से फंड के द्वारा, पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म क्या थी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ एमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है जी, ये एमरजेंसी फंड था, ठीक है, ये भी याद रखना दोस्तों। ये पीएम केयर फंड कौन सा है, एमरजेंसी सिचुएशन का फंड है, ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, 18 साल का जो भी बिलो, याद रखना दोस्तों, बिलो 18 ईयर के जितना भी होगा, उसके दोनों अगर पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो उसको 10 लाख की राशि दी जाएगी। और कब दी जाएगी, जब वो 23 साल का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 11 मार्च, और लास्ट डेट कौन सी थी, 28 फरवरी 2022, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट स्टार्ट अम्मा योजना और बहन योजना। तो ये है ओडिशा, कर्नाटका, सिक्किम, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम ने ये स्टार्ट की है। सिक्किम के जो जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह जी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अम्मा और बहन योजना जो स्कीम थी वो लॉन्च सीएम सिक्किम, ठीक है जी, प्रेम सिंह तमा। और जो ये अम्मा योजना थी, ये नॉन वर्किंग अम्मा योजना, याद रखना दोस्तों, अम्मा योजना नॉन वर्किंग मदर के लिए थी। और बहन जो गर्ल स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट होगी तभी उसको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और थर्डली क्या था, उनको हर साल एनुअली, ये ध्यान से देखना दोस्तों, हर साल उनको 20,000 उनके अकाउंट में आएगा। कैश नहीं है दोस्तों, ये कैश स्कीम नहीं है, इसको अकाउंट में आएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड पर्वतमाला प्रोग्राम, ठीक है, पर्वतमाला प्रोग्राम। तो ये पर्वतमाला प्रोग्राम किस स्टेट में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये कौन सा है, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर है। अंडर द स्कीम क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हिली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हैं, 7 सिस्टर्स आप सबको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये सब जो भी हैं, ये 7 स्टेट्स जो हैं उनकी, और हिमाचल और उत्तराखंड के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये हमारी सभी बॉर्डर, इनके सब के साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। मैं आपको एक ड्रॉ करता हूँ दोस्तों अपनी तरफ से, हमारा इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश और ये जो एरिया है, ये सारा एरिया यहाँ तक का, ये सभी स्टेट्स जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, ये नेपाल का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, इधर म्यांमार और इधर आपका बांग्लादेश, तो इन सब के साथ जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी, तो उनको सुधारने के लिए ये प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोग्राम किया गया है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था स्कीम्स का, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया। ऐसे ही सेकंड पार्ट आएगा और ऐसे ही थर्ड पार्ट आएगा, ये 3 पार्ट में आएगी, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ की
लास्ट सिक्स मंथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।